दोस्तों ये फ़ोन है Vivo का Y56। मुझे इस फ़ोन को चलाते हुए एक महीने के करीब हो गया है। मैंने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई है, आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हो, पर इस वीडियो को देखने के बाद में। तो दोस्तों आज हम इस फ़ोन का फुल रिव्यू करेंगे, जिस प्राइस रेंज में ये 5G स्मार्टफोन मिल रहा है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों मैं बताऊं तो मेरे को कुछ कुछ चीज़ों में ये ओवर प्राइस लगा है, क्या क्या लगा है सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर आपको ये फोन लेना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फोन का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर ले सकते हो, चेक कर सकते हो। दोस्तों मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस फोन को लेकर कि हम इसमें 5G इनेबल नहीं कर पा रहे। मैंने इसमें 5G इनेबल करके भी आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आप देख लो, इसमें मेरा 5G चल रहा है, ये मैंने कैसे किया है सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीवो के फोन माने जाते हैं अपने कैमरे के लिए, तो पहले हम इसके कैमरे की ही बात करते हैं। तो इसमें 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा मिलता है। मैं आपको इसके कुछ फोटो सैंपल दिखा देता हूं। ये दोस्तों सिर्फ फ्रंट के कैमरे की है, जो फ्रंट का कैमरा है इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। इसमें काफी सारे इसके मोड मिलते हैं, और जो ये मैंने फोटो लिए ये ज्यादा ओवर इन कलर नहीं करे, स्किन के कलर ज्यादा ओवर नहीं है। पर दोस्तों इसमें जो टी शर्ट का कलर है ये थोड़े इनने ज्यादा ओवर कर दिए हैं, ये डार्क रेड है पर इसमें ज्यादा ब्राइट रेड दिखा रहा है। बाकी दोस्तों ये सेल्फी में ये अच्छा मेरे को कैमरा इसका लगा है। ये दोस्तों इसके बैक के कैमरे की जो मैंने HDR मोड में खींची है, ये आप देख सकते हो। इसमें भी दोस्तों ये ओवर कलर इसके नहीं हो रहे हैं, ये सब इसका। और ये दोस्तों इसके ये पोर्ट्रेट वाली फोटो है। दोस्तों मैंने इसकी कुछ स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो भी ली है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस फोन में स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। अब मैंने इसको स्टेबलाइजेशन ऑन करके रखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको चलते हुए ये वीडियो कितनी स्टेबलाइज हो रही है। ये अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ इसको, ये आप देख सकते हो। अब दोस्तों मैं इसमें भाग के देखता हूँ ये वीडियो कितनी स्टेबलाइज होती है। देख सकते हो दोस्तों, आप कमेंट में बताना दोस्तों ये वीडियो कितनी स्टेबलाइज हो रही है। अब दोस्तों मैं इसका स्टेबलाइजेशन ऑफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं इसमें कितनी स्टेबलाइज होती है वीडियो या नहीं होती है, या स्टेबलाइजेशन के बाद में कितना इसमें फर्क पड़ता है। ये दोस्तों मैंने स्टेबलाइजेशन इसका ऑफ कर दिया है, अब इस टाइम मैं खाली चल रहा हूँ, ये आपको वीडियो में दिख ही जाएगा ये कितनी स्टेबलाइज है होती है या नहीं, या कितना फर्क पड़ता है। अब मैं थोड़ा दोस्तों भागता हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा ये वीडियो बिना स्टेबलाइजेशन के कितनी कैसी दिखती है। तो दोस्तों ये वीडियो थी इसकी स्टेबलाइजेशन के बिना, और मैंने पहले दिखा दिया आपको स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद में, आपके इतना फर्क पड़ता है आप मेरे को कमेंट में बताना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये जो मैंने फूल की लिए दोस्तों, ये भी ये ज्यादा येलो नहीं है, जितना ये येलो फूल है उतना ही ये फोटो में दिखा रहा है। तो दोस्तों जिस प्राइस रेंज में ये फोन आ रहा है, मेरे को इसका कैमरा ठीक लगा है, पर दोस्तों जिस प्राइस रेंज में है ये, और भी अच्छे फोन है जो इससे अच्छे कैमरे के साथ में आते हैं। कैमरे के मामले में दोस्तों मेरे को ये फोन थोड़ा ओवर प्राइस लगा है। बात करते हैं दोस्तों इसकी स्क्रीन की, तो इसमें मिलते हैं 6x58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे भी कंपनी ने इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं दी है। जिस प्राइस रेंज में दोस्तों मिल रहा है, काफी सारे फोन है जो AMOLED डिस्प्ले के साथ में आते हैं, पर दोस्तों इसके जो पिक्सल मिलते हैं वो काफी अच्छे लगे, जो कि मिलते हैं 1080x2400। इसमें दोस्तों मैंने काफी धूप में भी इसको फोन को चला के देखा है, इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों इतनी ब्राइटनेस की फोन की कम नहीं है कि आपको नहीं दिखेगा धूप में। धूप में भी ये फोन अच्छे से काम करता है, अच्छे से आप देख सकते हो, इसमें काम कर सकते हो। तो ब्राइटनेस दोस्तों मेरे को ठीक लगी है, पर दोस्तों मैं यही कहूंगा जिस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है, कंपनी को AMOLED देनी चाहिए थी, पर इसमें AMOLED नहीं मिलती है।
दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, कि इसमें प्रोसेसर मेरे को कैसा लगा है। तो इसमें मिलता है मीडियाटेक का 700 प्रोसेसर जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसमें दोस्तों 8GB रैम मिलती है और प्लस 8GB वर्चुअल रैम मिलती है। ये एंड्रॉयड 13 पे चलता है और इसमें OS मिलता है फनटच OS। बात करें दोस्तों इसमें इसका पावर कैसी मिलती है, तो मैंने इसमें एंटूटू स्कोर इसका करके दिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एंटूटू स्कोर है जो कि 3,76,000 से ऊपर का आ रहा है। अब बात करें दोस्तों इसमें मैंने गेमिंग खेल के देखा है, इसमें फ्री फायर खेल के देखा है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के देखा है, दोनों ही बहुत ही स्मूथ चल रहे थे, काफ़ी अच्छे चल रहे थे, कहीं भी मेरे को इस फ़ोन में लैग नहीं मिला है। इसमें आप मीडियम सेटिंग में ही खेल सकते हो और ग्राफिक में भी दोस्तों आप ज़्यादा हाई ग्राफिक में इसमें नहीं खेल सकते हो। अगर दोस्तों आप कोई बहुत अच्छा ग्राफिक वाला फ़ोन चाह रहे हो जिसमें अच्छे से गेम खेल सको अच्छे ग्राफिक के साथ में, तब भी दोस्तों आपको ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों इसकी बैटरी की और चार्जर की। तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आती है 18 वॉट के चार्जर के साथ में। दोस्तों ये जो चार्जर है ये 1 घंटा 40 मिनट में इस फोन को फुल चार्ज करके दे देता है। और जो इसकी बैटरी है वो 5000 mAh की मिलती है जो कि आपका आराम से पूरा दिन भर चलने वाली है। बैटरी मेरे को इसकी फोन की काफी अच्छी लगी है। दोस्तों बात करते हैं इस फोन की कनेक्टिविटी की। तो इस फोन में मिलती है वाईफाई 5 और आता है ब्लूटूथ 5.1। दोस्तों इसकी वाईफाई की रेंज भी ठीक लगी है, ब्लूटूथ जो है 5.1 मिलता है उसमें भी कनेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने काफ़ी ब्लूटूथ वाली इसमें डिवाइस कनेक्ट करके देखी है, वो कहीं भी इस फोन में दिक्कत नहीं आ रही थी। इसकी फ़ोन की रेंज भी काफ़ी अच्छी लगी है, पर दोस्तों इसमें NFC इस फोन में नहीं मिलती है। इस फोन में रेडियो मिलता है, टाइप सी इसमें पोर्ट मिलता है, तो यही सब है। बात करें दोस्तों इस फोन के लुक एंड डिज़ाइन की, तो फोन देखने में काफ़ी पतला है, काफ़ी प्रीमियम लगता है वीवो की तरफ से। इसमें 2-3 कलर आते हैं और देख सकते हो, पर दोस्तों इसमें एक इसका केस भी आता है जो मैं आप ये लगा रखा है, इस केस में काफ़ी ये फ़ोन बचा रहता है। ये फ़ोन काफ़ी हल्का भी है और डिज़ाइन वाइज भी मेरे को ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा है। इसमें दोस्तों दो तरीके से आप इसको अनलॉक कर सकते हो, इसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और इसमें फेस आईडी भी मिलती है। पर दोस्तों इसमें 5G मिलता है, कैसे चलता है वो भी आपको मैं इनेबल करके दिखा देता हूँ। तो हमको जाना है यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों हमें जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। इसमें जाने के बाद में हमको जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल इंटरनेट पे। यहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों आपको जो सा भी सिम लगा रखा है, सिम 1 या सिम 2, उसको क्लिक करोगे। मैंने सिम 1 पे लगा रखा है, मैं इस पे जाऊंगा। इसमें जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जाने के बाद में आप देख सकते हो प्रीफर नेटवर्क टाइप्स, तो हम इसमें जाएंगे। यहाँ दोस्तों ये अगर आपका ये 4G हो रखा होगा तो आपका में 5G नहीं चलेगा। ये आपको क्या करना है, इसमें 5G इसका करना है ऊपर जाके, ये इसका 5G इनेबल हो गया है। नीचे दोस्तों 5G नेटवर्क मोड में जाना है और इसमें ऑटो सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप ये ऑटो सेलेक्ट कर देते हो तो इसमें अपने आप ही 5G चलने लगेगा। तो ये था दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपका ये नहीं चल रहा है, अगर दोस्तों इसके बाद भी आपका ये फोन नहीं 5G चल रहा है, तो इसमें का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका फोन चलने लग जाएगा। और नहीं भी चलता तो दोस्तों मैंने इसमें बता दिया आपको कैसे कैसे इसका 5G इनेबल करना है। दोस्तों बात करें अब ओवरऑल, और ये आपको फोन लेना चाहिए या नहीं, और ये फोन किस प्राइस रेंज में आ रहा है, तो मैं पहले आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। तो ये फ्लिपकार्ट में मिल रहा है 17,999 का, जो कि आ रहा है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। तो दोस्तों ये जो 18,000 का फोन है और 5G फोन है, क्या आपको ये लेना चाहिए? तो दोस्तों मेरे को 18,000 में दोस्तों इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रही है, और फोनों में दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में मिल रही है, और इसका कैमरा भी जो है वो थोड़ा इसका कैमरा और अच्छा होना चाहिए था। पर दोस्तों इसमें जो पावर मिलती प्रोसेसर मिलता है उसने मेरे को दोस्तों प्रोसेसर ने दोस्तों कहीं भी धोखा नहीं दिया है। ये फोन काफ़ी स्मूथली चलता है, काफ़ी आराम से चलता है, जो भी आप टास्क दोगे ये फोन काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। पर जो इसमें गेम चलते हैं वो हाई ग्राफिक में नहीं चलते, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों बात करें मेरी, क्या इस फोन को मेरे को चला के लगा, तो ये फोन मेरे को दोस्तों 2-3 हज़ार रुपये ओवर प्राइस लगा है। अगर ये 2-3 हज़ार रुपये कम होता तो मेरे को ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फोन लगता है। तो दोस्तों अगर इसकी ओवरऑल चीज़ें देखी जाएं तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती, इसका कैमरा भी एवरेज है, इसका बैटरी बैकअप ठीक है, पर इसमें फास्ट चार्जर नहीं मिलता है जो कि लगभग 2 घंटे आपको इसको चार्ज करने में लगेगा। तो कंपनी को दोस्तों इसका प्राइस 2-3 हज़ार रुपये कम करना चाहिए था। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपका प्राइस है 18,000 रुपये का, तो दोस्तों आप कोई और कंपनी के फ़ोन देख सकते हो। मैंने भी काफ़ी पे वीडियो बनाई है, एक सैमसंग का ही मैं बोलूँगा जो कि 14-15 हज़ार रुपये का है, सैमसंग A14, उस पर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हो। वो दोस्तों इससे भी 4-5 हज़ार रुपये कम का है और मेरे को काफ़ी अच्छा ये फ़ोन लगा है, वो भी दोस्तों 5G स्मार्टफोन ही है और सैमसंग जैसी कंपनी की तरफ से आता है। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।